नीट के एग्जाम को लेके कुछ छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हो, जहाँ पे नीट के जो छात्र हैं यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, क्या करना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। कहाँ से आए हो? हरियाणा फरीदाबाद। नीट के एग्जाम को लेके आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मतलब दोबारा पेपर होना चाहिए सारे बच्चों का ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इस बार 30-40 रैंक ऊपर चली गई है, बहुत ज़्यादा है। ये हर साल नहीं जाती कभी भी, मतलब 21-22 पिछले साल भी 10 नंबर गई थी, क्योंकि चार बोनस क्वेश्चन थे, इसलिए नहीं तो रैंक कभी ऊपर जाती नहीं है इतने। अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं मांगी तो क्या आप लगातार यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे? यस सर। 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या लगता है आपको, क्या फैसला आपके पक्ष में होगा? होना तो चाहिए, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ही देखे। जांच होनी चाहिए इसकी, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पेपर लीक हुआ है नहीं, पटना यूपी में भी हुआ है और हरियाणा से भी एक ही सेंटर से आए हैं, जो हरियाणा से भी आए उसमें भी एक लड़की का ओरिजिनल 636 बन रहे थे, पर उसे ग्रेस मार्क दे के 720 हो गया। अब तो वो ऑल इंडिया, वो सॉरी 1500 बच्चों का रीनीट होगा इस बार, पर ये पूरे सारे बच्चों का होना चाहिए ना। कितना बुरा लगता है कि एक साल की जो मेहनत आपकी इस तरह से बर्बाद हो जाती है? बहुत ज़्यादा, मतलब 12-12 घंटे पढ़ना, कभी तो सोते भी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और मतलब कोई कहीं आना जाना नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं रखना किसी से, तो बहुत दिक्कत होती है ऊपर से। बात करें जैसे हम यहाँ पे कुछ छात्रों से बात कर रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ और छात्र मौजूद हैं, क्या नाम है भाई आपका? विकास। कहाँ से आए हो? हर्षवर्धन दिल्ली से। क्या कहना चाहोगे नीट के एग्जाम को लेकर, आप जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सर सबसे पहली चीज तो जैसे ही हम तैयारी कर रहे थे और हमें पता चला कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है, हमारे अंदर पहले से ही डर बैठ गया था कि कहीं हमारा नीट का एग्ज़ाम लीक ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब यूपी पुलिस का लीक हो गया तो हमारे पर चांस ज़्यादा बढ़ गए कि हमारा एग्ज़ाम भी लीक हो सकता है। और दूसरी चीज़, 4 जून को खबर आई थी कि नीट एग्ज़ाम लीक हो चुका, तो हम वहीं से डरने लग गए थे। फिर 5 जून को हमें पता चला कि पटना में एग्ज़ाम लीक हुआ है और पटना पुलिस ने FIR भी लिखी, और हमने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि इतना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पटना में हुआ था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे हमें पता चला, जैसे रिजल्ट आया तो उसके बाद में हमने देखा कि रैंक में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसन, तो वहाँ से अपने आवाज़ उठानी शुरू करी, क्योंकि इतना रैंक इन्फ्लुएंसन पॉसिबल ही नहीं है। हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ता है, हर साल स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, इसी साल थोड़ी है कि एकदम से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हों। 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या लगता है कि फैसला आपके पक्ष में होगा? सर जब अब तक ही हमारे पक्ष में नहीं आया फैसला, तो हम उम्मीद इतनी उम्मीद नहीं है कि हमारे पक्ष में देंगे या नहीं देंगे, बट यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है हमारे पक्ष में दे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी रोड्स पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं, तो हर स्टूडेंट्स जो है नियरली 1 महीने तक रोड पर नहीं रह सकते, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की, तो सुप्रीम कोर्ट को ये जल्दी से जल्दी सुनना चाहिए और NTA को अपनी गलतियों को समझना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए जितने भी बच्चे हैं सभी से। इतना बुरा लगता है कि आपकी सालों की मेहनत इस तरह से बर्बाद हो जाती है? सर मेहनत बर्बाद हो जाती है, हर बच्चा गुस्से में है, अगर NTA ऑफिसर्स उनके बच्चों के सामने आकर जवाब देने से खुद डरते हैं, क्योंकि सामने जाएंगे बच्चे सवाल पूछेंगे, कोई बच्चा गुस्से में कुछ उन्हें बोलना दे ज़्यादा या फिर कोई दंगा ना करने लग जाए, तो उस चीज़ से NTA डायरेक्टर्स भी डरते हैं, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा गुस्से में हैं इस चीज़ से।